बिना इजाजत के धरना प्रदर्शन करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में जिला अदालत ने सोमवार को पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो राजेश रंजन और पप्पू यादव को जमानत दे दी। सब जज अमलेश कुमार सिंह की अदालत ने पप्पू को जमानत देते हुए हिदायत दी है कि आगे आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। पप्पू यादव के अधिवक्ता पांडे संजय साय ने बताया कि पप्पू पर गर्दनबागी इलाके में बिना अनुमति के प्रदर्शन करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप था। इस संबंध में गर्दनीबाग थाने में मामला दर्ज किया गया था। हालांकि अभी पप्पू यादव को जेल में ही रहना होगा क्योंकि अपहरण के एक 32 साल पुराने मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है। वहीं पूर्व सांसद पप्पू यादव की रिहाई और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जाप के नेताओं ने सोमवार को राज्यव्यापी भूख हड़ताल भी की।